अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी फूड के हवाले से जो मैं अपनी बेटी को देती हूँ। मैंने उसका जो है सॉलिड स्टार्ट किया था 4.5 मंथ में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था स्टार्ट कर दे। तो मेरा इरादा ये था कि मैं 6 तक जब हो जाएगी तभी करूँगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि स्टार्ट कर दे, तो इसलिए स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं मेलन के प्रोडक्ट्स उसको देती हूँ, तो मुझे मेलन की जो है वो बहुत अच्छी लगती है प्रोडक्ट्स, टेस्ट भी अच्छा होता है और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और जो फार्मूला मिल्क है वो भी मेलन का ही मैं इसको देती हूँ जब देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये है ऑर्गेनिक लेके आई थी मैं। पहले मैंने कहा था ऑर्गेनिक से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसको ना फूड से थोड़ी सी एलर्जी लग रही है, मुझे ना फील हो रहा है ऐसे। तो ये मैं इसके लिए ऑर्गेनिक लेके आई थी, कैरेट की प्यूरी घर मैंने इसको बना के दी थी, लेकिन इसके ना फेस रेड हो गया था, इसलिए फिर मैंने उसके बाद इसको नहीं दी। तो मैं बाहर से ही लेके आई थी, क्योंकि बच्चे जो है जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा खाते नहीं है, तो फिर घर में जो है वो थोड़ा बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कुछ मंथ जो है वो मैं बाहर से ही लेती हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर बनाया करूँगी। तो ये है मटर की प्यूरी, और ये दोनों है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें ना कोई सॉल्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यूरी है, जस्ट प्योर जो है वो, तो ऑर्गेनिक है ये। तो ऑर्गेनिक का ये होता है कि थोड़ा सा ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा, मैं क्योंकि जब भी बच्चों को देती हूँ तो पहले खुद थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ फिर बच्चों को देती हूँ। तो जब मैंने खाया तो मुझे कड़वा कड़वा लग रहा था, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत वो खा ही लेती है। तो ये है फ्रूट की प्यूरी, और ये जो है मेलन की नहीं है, ये वैसे ही मैंने ट्राई करने के लिए लेके आई थी। तो ये बनाना और जस्ट एप्पल है इसमें, तो ये भी ये जो है बनाना और एप्पल की बहुत मज़े की होती है। फ्रूट की जो प्यूरीज होती है ना वो बाहर से ही लेनी चाहिए, वो बहुत मज़े की होती है, लेकिन जो वेजिटेबल्स है ना वो घर में कोशिश करनी चाहिए, घर में ही बनाए। मैंने बनाई थी, लेकिन वो जो है जब मैंने मिराल को दी इसकी कैरेट की, तो वो उसको ना थोड़ा सा उसका फेस रेड हो गया था। तो जो भी घर की जो चीज़ मैं उसको देती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसका ना एक्शन हो जाता है, उसको पता नहीं, तो वो डॉक्टर को चेक कराना है, तो फिर पता चलेगा या वैसे ही है बेबीज़ को होता है। तो जो है ये है मेलन की, इसमें है बनाना है और एप्पल है और स्ट्रॉबेरी और कैरेट भी है। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये बहुत मज़े की उसको लगते हैं, स्टार्ट मैंने इसी से किया था, ये उसको बहुत पसंद है। तो बाकी जो है इसके साथ ये नोज़ल सी बनी हुई है, ये बच्चा जब खुद थोड़ा सा हो जाता ना 6 माह से ऊपर तो वो खुद भी पकड़ के खा सकता है, लेकिन अभी जो है ना जब मैं उसको खिला रही होती हूँ तो वो नीचे से ऐसे पकड़ लेती है, क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है ना वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो जब पकड़ती है ना तो नीचे से पुरुच करके बाहर आ जाता सारा। तो ये जो है ये भी दूसरा है, ये मेरे ख्याल से आलचे नैरो है, तो ये भी दूसरा ब्रांड है और ये भी ऑर्गेनिक है। ये भी बहुत मज़े की थी, ये भी मैंने जब उसको देने लगी थी तो पहले मैंने चेक कर ली थी। तो ये जो है वो 6 मंथ से स्टार्ट किया, लेकिन अभी माशाल्लाह से वो होने ही वाली है 6 मंथ की, तो इसलिए कि मैं उसको देना शुरू कर दिया ये भी। और ये भी सिर्फ बनाना और एप्पल की है, ये दोनों सिर्फ, जो पहला था मेलन का उसमें 3-4 एक कैरेट थी और 2-3 फ्रूट्स थे। तो ये है मेलन की क्रेमा दी रिसो, ये चावल है, चावल का आटा है, और ये भी बहुत ना जैसे वो खीर होती है ना, जस्ट लाइक सीरियल लाइक नहीं होता जैसे पाकिस्तान में, उसमें तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स वगैरह भी ऐड होते हैं सीरियल लाइक में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना जो है वो राइस का है पाउडर। तो ये पीछे उन्होंने सारी रेसिपीज़ भी लिखी हुई हैं, इसको आप उसमें यखनी में भी बना सकते हैं वेजिटेबल की और चिकन की, और इसको आप दूध में, मैं तो ज़्यादातर इसको दूध में ही देती हूँ, क्योंकि मैं जो पास्ता उसको देती हूँ ना उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल की मैं वो डाल लेती हूँ यखनी, लेकिन इसको मैंने अभी तक सिर्फ उसको ना दूध के साथ ही इसको दिया, जैसे खीर से नहीं बन जाती वैसे हो जाता है। और ये है पास्ता है पास्तीना, छोटा जो बिल्कुल बिल्कुल इतना डॉट के बराबर होता है, लेकिन जब थोड़ा सा बॉयल होता है थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा हो जाता है। तो ये भी बहुत बच्चों को पसंद आता है, ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से वो खा लेती है। तो ये मैं उसको सूप की तरह का बना लेती हूँ, ड्राई नहीं मैं देती, मतलब उसको पूरा इसका जो पानी वो नहीं निकालती, तो ये मैं उसको सूप की शक्ल में ना मैं उसको बना के देती हूँ। आगे मैं आपको साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे ना हार्ट्स बने हुए हैं, तो ये सिर्फ 4 मिनट में जो है ये तैयार हो जाता है। तो ये भी बहुत, कुछ ना भी आप इसमें डालें तो सिर्फ ऐसे ही दे तो बहुत अच्छा लगता है सॉल्ट डाल के। तो ये है बिस्किट, मैं इसके लिए लेके आई थी क्योंकि उसको होता है कि मैं हर चीज़ अपने हाथ में पकड़ के खाऊं, तो इस एज में बेबीज ऐसे ही करते हैं। तो ये बिस्किट लेके आई थी, ये भी मेलिन के हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, और ये नाश्ते में अगर इसका पाउडर भी बना के ना थोड़े थोड़े से हाथ के साथ या मशीन में इसको ग्राइंड करके पाउडर सा बना के ना, तो ये भी दूध में दूध के साथ जो है ना वो आप दे सकते हैं, उसके अलावा राइस का जो है उसके अलावा ये भी एक अच्छा होता है। और फिर मैं एक उसको योगर्ट में थोड़ा सा बनाना, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इस एज में बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं है, और वो एकदम से जब खाती है ना 2-3 दफ़ा खा के ना चम्मच लेके, तो फिर उसको ना ऐसे वॉमिटिंग सी आने वाली हो जाती है, फिर मैं वही
वहीं पे ना बस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर होता कहीं कर ही ना दे, तो वो शायद बच्चे ऐसे करते ही हैं, लेकिन मैं तब ना बस कर देती हूँ जब बच्चा ऐसे करे ना। तो तीनों की दफ़ा मैंने ऐसे ही किया, तो मैं ना फिर छोड़ देती हूँ, मैं उतना ही खिलाती हूँ जितना वो खुशी खुशी ना खा ले। तो अभी बहुत थोड़ा सा खाती है, इसलिए मैं घर नहीं बनाती, मैंने कहा घर में इतना थोड़ा बनता नहीं है, तो फिर उसको ये जो होते हैं ना ये ऐसे ही रहते हैं। फ्रूट की स्पेशली प्यूरीज जो है ना वो बाहर से ही लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी रहती है। तो अभी मैं बनाने लगी थी मिराल के लिए पास्ता, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी भी शेयर कर दूँ, बिल्कुल सिंपल। तो ये मैंने पानी में पहले जो है पानी को गर्म करके, तो उसमें मैंने 2 चम्मच पास्ता डाला। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही सर्विंग बनाऊँ कि उसी वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन वो थोड़ा भी बनाऊँ ना तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये बस अब 4 मिनट में ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने जो है सुबह अरसल जब स्कूल गया था ना, तो उसके लिए मैंने कैरेट और जो पोटैटो है ना वो बॉईल किए थे, तो उनकी जो वो यखनी सी थी ना तो वो मैंने अपने पास सेव करके रख ली थी। तो वो फिर मैंने ये वाली जो है इसमें मैंने कैरेट्स और जो है वो पोटैटो बॉयल किए थे, तो ये जो है उसकी ना बहुत कोई 15-20 मिनट कैरेट इसमें पकी है, तो बहुत अच्छा ना उसका वो निकला था फ्लेवर। तो ये जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी यखनी जो है ना वो डाल दूंगी सब्जियों की। तो चिकन की अभी मैंने इसकी स्टार्ट नहीं की क्योंकि अभी छोटी है, तो चिकन का मैं 6 मंथ के बाद जो है वो शखनी वगैरह उसकी उस बाद में डाला करूँगी पास्ते में। अभी सिर्फ या मैं इस स्टेज में इसको दे देती हूँ बिल्कुल, बस इस स्टेज में ना मैं इसको उतार लेती हूँ कि इसका पानी मैं ना ड्रेन नहीं करती। फिर इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ नमक और बिल्कुल पिंच जो है ना वो काली मिर्च, और इसमें मैंने यखनी डाल दी है। तो अगर यखनी से पहले जितना वाला पानी होता ना, कभी कभी मैं ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको यखनी वाला दिया वेजिटेबल की, वैसे मैं उसको बिल्कुल सादा बना के देती हूँ, लेकिन टेस्ट में कोई मुझे इतना हंस फ़र्क नहीं लगा वेजिटेबल की यखनी डाल के और बगैर, क्योंकि एक जैसा ही लग रहा था। तो क्योंकि जब बनाना हो ना ये होता है कि फिर दोनों चीज़ें आपको रेडी करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लेवर भी इतना कोई खास चेंज नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं जो है ना वो उसको सादा ही बना के देती हूँ, सादे पानी में बिल्कुल ऐसे ना सूपी सूपी से, तो वो आराम से जो है ना वो खा लेती है। तो पहले मैंने उसको जितनी दफ़ा भी दिया ना मैंने उसको ऐसे ही दिया बस, ये फाइनल उसको ना ये अभी भी फिर भी मैंने थोड़ा सा ना पानी ड्राई कर दिया, लेकिन जो ज़्यादातर है ना मैं थोड़ा सा सूपी रखती हूँ उसको, और साथ उसके फीडर में थोड़ा सा उसके लिए पानी डाल दिया मैंने सादा, और साथ ये मैं थोड़ा थोड़ा एक जो आधा चम्मच होगा कैरेट का लूँगी और आधा जो है ना वो मैं इसका लूँगी, तो इसको मिक्स करके ना तो बहुत मज़े का ये भी बन गया था। तो क्योंकि सादी जो बिल्कुल होती है ना ऐसे प्यूरी जो वेजिटेबल की, वो इतनी खास पसंद नहीं करती मेरा, तो मैंने पास्ते के साथ ना उसको मिक्स करके दिया, तो वो उसने माशाल्लाह से खा लिया था। तो ये आज की वीडियो है, आज सुबह मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया था, तो अपना बना रही थी साथ उसके लिए थोड़ा सा, मैंने बहुत कोशिश की कि एक ही चम्मच बनाऊँ, लेकिन जो है ना फिर भी ज़्यादा हो गया, तो फिर भी बच गया। तो बच्चे जो है वो 1-2 चम्मच ही खाते हैं, उसने सिर्फ 1 स्पून जो है ना 1-2 स्पून मुश्किल से खाए थे, तो बाकी जो है वो बच गया था। तो इसके साथ थोड़ा सा आप जो फ्रूट है वो भी मिक्स करके दे सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी थोड़ी सी बिल्कुल, और ये खीर सी जो है ना ये बन गया, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली सा मैंने इसको गर्म किया था, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना अब, तो इतना गर्म बच्चे खाते नहीं है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।